8:45 की स्टार्ट में स्प्लिट मैसेंजर उस वेपन के पास खड़ा होता है जिस वेपन की मदद से बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट दी जाती है, और फिर वो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसे बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट दी गई थी, और ये वही इंसान है जो कि आज तक इस पनिशमेंट से जिंदा बच पाया है। इस पनिशमेंट के अंदर एक इंसान को उस वेपन के अंदर डाल दिया जाता है जहां चारों तरफ से नुकीली तार इंसान को घेर लेती है जिस वजह से इंसान मर जाता है। अब स्पिरिट मैसेंजर के पास लिमू आती है। वो स्पिरिट मैसेंजर से कहती है, क्या आप श्योर हैं कि आप अकेले ही इसे चलाना चाहते हैं? पर आखिर ये कितनी गलत बात है कि बड़ों की सजा उनके बेटे को मिलती है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, जो एंसेस्ट्रियल सिस्टम में लिखा है हमें वही फॉलो करना होगा, हम इसे बदल नहीं सकते। वैसे भी मूरोंग को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि उसे ये पनिशमेंट लेनी है, उसने खुद ही ठान लिया है कि वो ये पनिशमेंट लेगा। इस पर लिमू कहती है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा जैसा हमारे साथ हुआ। ये सुनकर स्पिरिट मैसेंजर एकदम गुस्सा हो जाता है, और फिर वो गॉड से कहता है, तुमने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? जिसके बाद वो घुटने के बल बैठ जाता है। दूसरी तरफ फेंग लियो और हान दोनों जंगल में बैठे होते हैं जहाँ पेड़ के ऊपर उस लाश को रखा गया था। हान फेंग लियो से कहती है, काफी टाइम हो गया, हम रात भर यहीं बैठे हैं लेकिन अभी तक हत्यारा नहीं आया। फेंग लियो कहता है, वो जरूर अपनी स्वॉर्ड को लेने आएगा, उसकी स्वॉर्ड अभी तक यहीं पर है। ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, देखो इस स्वॉर्ड को, ये गर्दन से होते हुए पेड़ के भी पार हो गई लेकिन इस पे जरा भी खून नहीं लगा, और इसी स्वॉर्ड के लिए वो हत्यारा जरूर यहाँ पर आएगा। तभी वहाँ पे वो हत्यारा आ जाता है जो एक झटके में उस लाश के अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। पेंगली उससे कहता है, मैंने रात भर तुम्हारा यहाँ इंतजार किया है। और उस आदमी को देख के लगता है कि ये वही आदमी है जिसने शीक्यू के सामने से उन भेड़िये को भगाया था। वो आदमी पेंगली उससे कहता है, तुम तो बहुत ही चालाक हो, मैं तो तुमसे ही मिलने यहाँ आया हूँ। हान उस आदमी से कहती है, लगता है तुमने ही सभी को मारा है, और तुमने जब सभी को मारा होगा तब तुमने यहाँ आसपास लिन को जरूर देखा होगा। जिस पर वो आदमी कहता है, मैंने लिन को देखा है लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो उससे लड़ने चले जाता है, हान भी उससे लड़ती है जहां उन दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। फेंग लियो हान का साथ देने ही जा रहा होता है कि तभी उसे वहां किसी और के भी होने का एहसास होता है, इसलिए वो अपने पंखे वाले वेपन को उसकी तरफ फेंकता है लेकिन वो आदमी इससे बच जाता है। तभी वो मांस वाला आदमी वहां एक बम फोड़ देता है जिससे चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है, और जब धुआं वहां से हटता है तो वहां कोई भी नहीं होता। वो दोनों आदमी हान को भी अपने साथ ले गए होते हैं। ये देखकर फेंगलियो एकदम घबरा जाता है। तभी फेंगलियो उस धुएं की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ शीक्यू उसी जगह आ जाता है जहां लिन को रखा गया है। वहीं लिन शीक्यू के इतने टाइम से ना आने की वजह से उसे काफी बुरा भला कह रही होती है। तभी उसे शीक्यू की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भाग के वहां जाने लगती है लेकिन उसके पैर में जंजीर लगी थी इसलिए वो वहां तक नहीं जा पाती। वो शीक्यू की आवाज लगाकर कहती है, देखो यहाँ पे मैं यही पर हूँ, जल्दी से मुझे आकर बचा लो। इसलिए शीक्यू वहाँ जाने लगता है और उसे आता देखकर लिन एकदम खुश हो जाती है। तब घर के अंदर से आवाज आती है कि जब तक शीक्यू ऊपर आ रहा है तब तक तुम मेरे घर के सारे काम करो क्योंकि उसे आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ये सुनकर लिन एकदम गुस्सा हो जाती है। इधर शीक्यू पहाड़ पे चढ़ने के लिए अपना भाला उस पे फेंकता है लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता। तभी उसे कई सारी लकड़ियां दिखाई देती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए वो लकड़ियों पे चढ़कर ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब वो सबसे आखिरी वाली लकड़ी पे चढ़ता है तो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोबारा से नीचे आ गया था। तब ऊपर से लिन शीक्यू से कहती है, अरे बेवकूफ कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी ऊपर आओ। शीक्यू से कहता है, अरे अरे थोड़ा इंतजार करो, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ ऊपर आने की लेकिन ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं ऊपर ही नहीं आ पा रहा। अब रात को मूरोंग के पास एक सिपाही आता है जो उससे कहता है, कल आपको पनिशमेंट दी जाएगी और ये पनिशमेंट एक पूरे अगरबत्ती के जलने तक होगी, जब तक अगरबत्ती जलता रहेगा तब तक आपको पनिशमेंट मिलेगी। जिसमें मूरोंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ साकुरा आती है जो की मूरोंग फैमिली के शाही कपड़े में आई होती है। वो मूरोंग के सामने झुक कर कहती है, तुमने जो फैसला लिया है बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट लेने का मैं उसे नहीं रोकूंगी, लेकिन कल जो भी हो मैं आज रात ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। जिस पर मूरोंग भी उसे हाँ में जवाब देता है और फिर दोनों वहीं शादी करने लगते हैं, और शादी के रस्म के हिसाब से दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, साथ ही कुछ ड्रिंक करने को भी देते हैं। और शादी हो जाने के बाद मूरोंग साकुरा का घूंघट हटाता है और वो भी उसका मास्क हटाती है, जिसके बाद साकुरा उससे कहती है, अगर कल तुमने पनिशमेंट पास कर ली तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुम उसे पास नहीं कर पाए तो मैं हमेशा तुम्हारे कब्र की रक्षा करूंगी। ये सुनकर दोनों एकदम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जोसिन काफी इमोशनल होता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी दूसरी सेक्रेटरी से कहती है, तुमने आखिर साकुरा को अकेले वहां जाने क्यों दे दिया, उन्हें वहां बहुत ही ज्यादा खतरा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो किंग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए दूसरी डायरेक्टर साकुरा के पास जाने के लिए निकल जाती है
और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।